नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉनस्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। गलवान में शहीद हुए जवान अंकुश को मरणोपरांत मिला सेना मेडल। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले उपमंडल भोरंज के कड़ोहता गांव के शहीद सेना के जवान अंकुश ठाकुर को मरणोपरांत सेना मेडल से अलंकृत किया गया। ममून मिलिट्री स्टेशन पठानकोट में आयोजित पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह में शहीद की माता उषा रानी ने यह मेडल प्राप्त किया। अंकुश गलवा घाटी में 16 जून 2020 को चीनी सैनिकों से हुई भिड़ंत में शहीद हुए थे। इस भिड़ंत में देश के 20 सैनिकों ने शहादत पाई थी। अंकुश पूर्वी लद्दाख में एक ऑपरेशनल दल के स्काउट के रूप में तैनात थे। बजट में घोषणा, खनन और नशा माफिया की कमर तोड़ेगा CCC2 और साइबर थाने खुलेंगे। हिमाचल में अवैध खनन, शराब और मादक पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिलों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर CCC स्थापित करने का फैसला लिया है। इन केंद्रों की सहायता से CCTV और इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रदेश व सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाई जा सकेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इस पर 7 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। स्वास्थ्य बजट, हिमाचल घर द्वार पर मिलेगा उपचार, हर विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल क्लिनिक। कोरोना महामारी के बाद इस बार के बजट में जयराम सरकार ने प्रदेश के हर नागरिक के स्वास्थ्य पर खास फोकस किया है। अब मरीजों का घर द्वार पर उपचार हो सकेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना शुरू करने की घोषणा की है। वहीं इस योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल क्लिनिक खोला जाएगा। इसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जरूरी उपकरण स्थापित किए जाएंगे। वहीं इसमें एक डॉक्टर अपनी टीम के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगा। प्रहलाद पटेल बोले, हर घर में स्वच्छ पेयजल केंद्र सरकार का लक्ष्य। केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि हर घर में स्वच्छ पेयजल पहुंचाना केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए तकनीक और जमीनी स्तर पर लोगों से पूरा सहयोग लिया जा रहा है। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार की ओर से शुरू किए गए जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के बारे में जानकारी साझा की। छात्रों की स्कॉलरशिप बढ़ी, बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 10 बड़ी घोषणाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। शिक्षा क्षेत्र के लिए 2022-23 में 8,412 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में छात्रों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना लागू करने की भी घोषणा की गई है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चरणबद्ध तरीके से सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा कक्षाएं शुरू की गई हैं, इनका और विस्तार किया जाएगा। वहीं इसके अलावा स्वर्ण जयंती ज्ञान उदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना के तहत 100 नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत 68 नए वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट महाविद्यालय योजना के तहत 10 नए राजकीय महाविद्यालय 2022-23 में सम्मिलित किए जाएंगे। इसके अलावा बात करें दूसरी ओर तो सशस्त्र बलों के शहीद और विकलांग हुए जवानों के बच्चों को दी जा रही छात्रवृत्ति को 1,500 रुपये करने की घोषणा की गई है। वर्ष 1983 से इस छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी नहीं हुई है और 30 रुपये से 200 रुपये प्रति माह का ही प्रावधान था। IRDP छात्रवृत्ति योजना का नाम अब मुख्यमंत्री विद्यार्थी कल्याण योजना रखा जाएगा। इसके अलावा छात्रों को अब 300 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति वर्ष तथा छात्राओं के लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को 1,200 से बढ़ाकर 5,000 प्रति वर्ष तथा छात्रावास में रह रहे छात्रों के लिए 2,400 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। कृषि बागवानी बजट प्राकृतिक खेती के अधीन होगी। 50,000 एकड़ भूमि पराला बनेगी आदर्श मंडी, जाने बड़ी घोषणाएं। हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने बजट में बागवानी क्षेत्र के लिए 2022-23 में 540 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं कृषि क्षेत्र के लिए 2022-23 में 583 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सीएम ने बजट में घोषणा की कि बागवानी क्षेत्र में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक बागवानी नीति तैयार की जाएगी। चुनावी बजट में खिलाड़ियों को तोहफा, दोगुना मिलेगी डाइट मनी। चुनावी बजट में जयराम सरकार ने खिलाड़ियों को भी साथ जोड़ने की कोशिश की है। खिलाड़ियों को बजट में सबसे बड़ा तोहफा डाइट मनी का मिला है। प्रदेश और बाहरी राज्यों में विभिन्न स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों को दिहाड़ी को दोगुना कर दिया गया है। प्रदेश स्तर पर यह राशि 240 रुपए कर दी गई है। अब तक यह राशि 120 रुपए थी। इसके अलावा प्रदेश के बाहर आने वाले शिविरों में खिलाड़ियों को अब हर रोज 400 रुपए की डाइट मनी प्रदान की जाएगी। पहले यह राशि 200 रुपए थी। कैबिनेट बैठक कल, कई अहम निर्णयों पर लगेगी मुहर, हो सकता है बड़ा ऐलान। हिमाचल के कर्मचारियों के साथ हर वर्ग को खुश करने के लिए सीएम जयराम ठाकुर ने तोहफों की बौछार कर दी। विधानसभा में आज पेश होने वाले बजट को प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज स्वीकृति प्रदान की। विधानसभा सत्र के दौरान आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक 15 मिनट में संपन्न हुई। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तावित बजट पर चर्चा कर मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा आज मंत्रिमंडल की बैठक के लिए 22 एजेंडा आइटम प्रस्तावित थी, लेकिन विधानसभा सत्र के कारण बजट को मंजूरी प्रदान की गई। अब कैबिनेट की बैठक 5 मार्च यानी कल होनी है। इसमें कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। 20,000 नौकरियां, आशा आंगनबाड़ी आउटसोर्स कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने कार्यकाल का अंतिम वो 5वां बजट पेश किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 51,365 करोड़ का बजट पेश किया। बजट में महिलाओं, कर्मचारियों, कारोबारियों, युवाओं, बेरोजगारों सहित कई वर्गों के लिए घोषणाएं की गई। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि इस साल 30,000 नौकरियां दी जाएंगी। वहीं सबसे बड़ी राहत आउटसोर्स कर्मचारियों को मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि SMC शिक्षकों का मानदेय 1,000 रुपये प्रति माह बढ़ाया जाएगा और उनकी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी। इन शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा और नीति बनाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों को अब न्यूनतम 10,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जबकि पंचायत चौकीदार 6,500 रुपये प्रति माह लेगा। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,000 रुपये सैलरी दी जाएगी, जबकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,100 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा वर्कर्स को 4,700 रुपये, सिलाई अध्यापकों को 7,950 रुपये और मिड डे मील वर्कर्स को 3,500 रुपये प्रति माह मिलेगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के दिन के कुछ मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।